वो एक आम रात थी जब महेश अपने कमरे में बैठा पबजी खेल रहा था। ऐसे तो अक्सर महेश के माता पिता महेश को रात में फोन पर कोई भी गेम खेलने नहीं देते थे, मगर आज महेश घर पर अकेला था क्योंकि उसके माता पिता को अर्जेंटली किसी वजह से एक दिन के लिए बाहर जाना पड़ गया। इसी बात का फायदा उठाते हुए महेश देर रात तक पबजी खेलता रहा। तकरीबन 2 घंटे लगातार पबजी खेलने के बाद महेश थोड़ा थक गया, मगर उसे इस गेम से इतना प्यार था कि उसने सोचा कि एक आखिरी मैच खेलने के बाद सोऊंगा। उसने एक सोलो गेम शुरू किया। गेम स्टार्ट होते ही उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, क्योंकि गेम स्टार्ट होने से पहले जिस रूम में 100 पेयर्स के कैरेक्टर्स को होना चाहिए था, वहाँ सिर्फ महेश का एक लौता कैरेक्टर घूम रहा था। महेश को लगा कि शायद ये कोई ग्लिच होगा, इसी वजह से महेश ने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। गेम स्टार्ट होते ही महेश जल्दी जल्दी से सारे घरों को चेक कर रहा था, मगर अजीब बात ये थी कि उसे लगभग 10 से ज़्यादा घर देखने के बाद भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि सारे के सारे घर लॉक्ड होने के बावजूद भी खाली पड़े थे। महेश लूट ना मिलने की वजह से परेशान तो था ही, मगर उसकी परेशानी थोड़ी डर में तब बदली जब उसे एक आवाज सुनाई दी। Help! अक्सर जब भी महेश एक क्विक चैट वाली आवाज सुनता था तो उसे गुस्सा ही आता था, मगर आज इस आवाज से डरने की एक ठोस वजह थी महेश के पास, और वह वजह थी कि महेश स्क्वाड में नहीं बल्कि सोलो गेम खेल रहा था। तो फिर ये हेल्प की आवाजें उसे बार बार क्यों सुनाई दे रही थी? कुछ देर महेश ने इस आवाज को इग्नोर किया, मगर इस आवाज के ना रुकने की वजह से महेश ने अपने फोन का साउंड ऑफ कर लिया, जिसके बाद वो आवाज आना भी बंद हो गई। लेकिन अभी मुश्किल से कुछ ही मिनट हुए होंगे महेश को खेलते हुए, तभी उसे क्विक चैट की एक और नई आवाज सुनाई दी। Get to the safe zone! इस आवाज भर ने महेश को बुरी तरह से डरा कर रख दिया। और हड़बड़ाहट में जल्दी से महेश ने गेम को बंद कर अपने फोन को साइड में रख दिया। लेकिन फिर भी महेश को सांस लेने का मौका नहीं मिला, क्योंकि फोन रखने के बाद भी महेश को वही आवाज आ रही थी। लेकिन इस बार एक और अजीब बात थी, क्योंकि ये आवाज धीरे धीरे भारी और भारी होते जा रही थी। Get to the safe zone! 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 जिसके बाद महेश ने डर के मारे अपने फोन से पबजी को अनइंस्टॉल कर दिया और फोन को अपने ड्रॉअर में डालकर सोने की कोशिश करने लगा। और कुछ ही देर बाद ही महेश की आंख भी लग गई, लेकिन उसे सोए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था कि तभी उसे दूसरे कमरे से
फिर से एक आवाज आने लगी। Help! 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 कुछ देर तो महेश ने इस आवाज को इग्नोर किया, मगर ये आवाज इतनी तेज थी कि ना चाहते हुए भी डरते हुए महेश चेक करने चला गया। और रूम में जाते ही महेश को जोर का झटका लगा, क्योंकि उसने पाया कि उस रूम में एक छोटी बच्ची जिसे वो नहीं जानता, घुटनों में मुंह छुपाए जमीन पर बैठे कुछ गा रही है। Get to the safe zone, 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 get to the safe zone. इतना कुछ देखने के बाद महेश डरा हुआ तो था ही, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करते हुए उस बच्ची से पूछा कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। इतना सुनने के बाद ही वो बच्ची झटके से उठी और महेश के छाती पर झपट कर उसे गिरा दिया और कहा, मुझे भी खेलना है। जिसके बाद महेश इतना डर गया कि वो वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन जब महेश की आंख खुली तो उसने खुद को अपने रूम के बिस्तर पर पाया और उसके माता पिता भी उसके घर में ही थे। महेश ने जल्दी से अपने ड्रॉअर से अपना फोन निकाल कर देखा तो उसे पबजी, जो उसने रात में अनइंस्टॉल कर दिया था, अपने फोन में इंस्टॉल दिखा। आज इस बात को एक महीना बीत चुका है और महेश आज भी अक्सर यही सोचता है कि क्या उसने उस रात कोई सपना देखा था या फिर सच में उसके साथ ये सब हुआ था। कभी कभी हद से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता, शायद पबजी भी नहीं। आपको आज का हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मिस्ट्री, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।